में बीते दिनों आए नगरीय निकाय चुनाव परिणामों के बाद दमोह सूबे में चर्चाओं में है। प्रदेश के कद्दा पर भाजपा नेता और केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय दमोह में भाजपा बहुमत से काफी दूर रह गई, जबकि खुद केंद्रीय मंत्री के द्वारा लोगों से वोट की अपील की गई थी। जनता ने इलाके में खंडित जनादेश दिया और कांग्रेस भी भले पूर्ण बहुमत हासिल न कर पाई हो, लेकिन भाजपा को पछाड़ते हुए बहुमत के करीब ज़रूर पहुंच गई है। इन दिनों सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ने का काम एक नए उभरे दल TSM ने किया। TSM यानी टीम सिद्धार्थ मलैया ने। ये टीम भाजपा से बगावत करके बनी टीम है, जिसका नेतृत्व मौजूदा भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया कर रहे हैं। सिद्धार्थ को दमोह विधानसभा उपचुनाव के बाद भाजपा ने निलंबित किया था और 1.5 साल बाद पार्टी उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई, जिसके बाद सिद्धार्थ मलैया ने अपना दल बनाया और नगरपालिका चुनाव में हाथ आजमाया। 17 तारीख को आए परिणाम में 39 सीटों वाली दमोह नगरपालिका के लिए 17 पर कांग्रेस, 14 पर भाजपा, 5 पर TSM, 1 पर BSP और 2 निर्दलीय पार्षद चुनकर आए हैं। अध्यक्ष बनाने के लिए 20 पार्षद चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस 3 और भाजपा 6 के आंकड़े कम आए हैं और अब यहां आजमाइशों का दौर जारी है। इन हालातों को लेकर अब कांग्रेस का दावा है कि वो अध्यक्ष बनाने जा रही है। कांग्रेस विधायक ने अपने सभी पार्षदों को बुलाकर बड़ी बैठक की और फीड मीडिया के सामने दावा किया कि उनका बहुमत पूरा हो गया है और पार्षद अपने बीच से अध्यक्ष चुनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। देखिए, आज हमारी बैठकों का निरंतर चालू, जनपद की भी बैठकें हो रही है, जिला पंचायत की भी हो रही है, नगर पालिका के चुनाव को लेकर भी हो रही है। हमने अपने जीते और हारे हुए दोनों पार्षदों को बुलाया और हमारे कोई बिल्कुल भी भ्रम न पाले, 17 पार्षद जो जीते हैं वो 17 से 20 की संख्या पे आने वाले हैं। 17 तो हमारे हैं ही हैं, उनमें से एक भी पार्षद न पैसे में, न किसी में न दबाव में आने वाला नहीं। हमें अपने पार्षदों पर भरोसा है और पार्षद में हम लोगों को भरोसा देना है। अध्यक्ष के लिए क्या रणनीति आज आगे होगी, जिसको हमारे सदस्य लोग कहेंगे और जिस वर्ग का अध्यक्ष बनना है उसको हम अध्यक्ष बना देंगे, करेंगे हम अपने पार्षदों की।